मॉर्निंग दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत स्वागत है। आज सेकेंड डे है कॉलेज का, तो आज मैं कॉलेज का टूर दूंगा, तो बने रहिएगा। और कहाँ पे पढ़ता है, किस कॉलेज में मैं एडमिशन लिया हूँ, बीएड का किस कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ, वो बताऊंगा आप लोगों को। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और पूरा नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ब्लॉग पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, और लाइक कर दीजिएगा तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा खाना उना तो बनने लग गया है, सब्जी बन चुका है और खाना बन रहा है। तो गाइस, अभी कॉलेज के लिए निकल गए हैं। कुछ इस तरह से हम रास्ता है आसपास का, कुछ इस तरह से माहौल है, गांव है, गांव ही बोल देंगे। कॉलेज के आसपास तो इतना घर नहीं है, ये आसपास कुछ घर है। ये हो गया घर सब बन रहा है। मेरा कॉलेज कम से कम 1 किलोमीटर के दूरी पर है, मैं जहाँ रूम लिए हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर है, पैदल ही चल जाते हैं। गांव सब है आसपास। कौन टोली कहनी के? खोवा टोली। और आगे वाला ढोटा टोली कॉलेज कॉलेज हाँ बीएड कॉलेज। जाते जाते बारिश भी स्टार्ट हो गया, और ये है ऋषि। तो हम लोग साथ में ही 10th तक किए हैं, 12th भी सेम ही कॉलेज था, सेंट मैरिज कॉलेज। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जो कॉलेज हम लोग लिए थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, वहाँ भी सेम ही कॉलेज था उसका भी, लेकिन जियोलॉजी डिपार्टमेंट था तुम्हारा। हाँ। अभी एक साल तुम्हारा हो गया। हाँ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। बीएड का एक ईयर खत्म। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा ही रहा, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है? टाइम मैनेजमेंट अभी तो स्टार्टिंग में ठीक ही रहेगा, लेकिन जब इंटर्नशिप में जाएंगे तो उस समय थोड़ा अच्छा से मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि उस समय थोड़ा ज़्यादा लोड हो जाता है। स्कूल भी जाना होता है पढ़ाने, लेसन प्लान बनाना होता है, चार्ट मॉडल सब बनाना होता है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लोड हो जाता है। और ये बात करते करते कॉलेज भी पहुँच गया है, बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ। स्टार्टिंग यहाँ से हुए, पुराना कॉलेज है, लगभग 2005 में बना था ये कॉलेज। और कुछ इस तरह से एंट्री गेट है। अभी 10 बजे प्रेयर होगा। बारिश की वजह से घास हो गया है, मैदान हो गया, ये मेन कॉलेज हो गया। साइकिल रखने के लिए गया हुआ है। तो दोस्तों, अभी रूम जाने के बाद आपसे मिलते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन कराते हैं दोस्त सबसे। कुछ इस तरह से हम लोग का रूम है, छोटा सा रूम है, इतना बड़ा भी नहीं है, एक हॉल है। और इधर एग्जाम चल रहा था, इसी वजह से हम बाहर का शूट नहीं कर पाए, किसी दिन और एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। वैसे मेरा कॉलेज है कार्तिक उराव कॉलेज गुमला, जो रांची यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। पूरा कॉलेज में असाइनमेंट ही भरा हुआ है, सब जगह मॉडल्स बना हुआ है, सीनियर्स के द्वारा ये सब मॉडल्स बनाया हुआ है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो ये सब दिखाना पड़ता है बीएड कॉलेज में, और कैसे पढ़ाना होता है, क्या होता है, ये सब सीनियर्स का। अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो हम लोग को भी पता चल रहा है, मैम सब बता रही है कि माइक्रो टीचिंग कैसे होता है, बच्चों को कैसे समझाना है, किस मेथड से समझाना है।